आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आज एजुकेशन मिनिस्टर चीफ गेस्ट के तौर पर कॉन्वोकेशन में आ रहे हैं, इसलिए प्रिंसिपल सर ने आप लोगों को 2 हफ्ते पहले इन्फॉर्म कर दिया था, फिर भी आप लोगों ने तैयारी नहीं की। चाचा जान, वो लड़की नहीं आई क्या? अकल कहीं बेच आया क्या? अगर बेच आया तो लेके आ जाना, काम आएगी। अगर वो लड़की आई होती तो ये काली पेंट यहीं पड़ी होती। अरे नहीं चाचा, उसे बहुत जरूरत थी, वो कह रही थी कि इसके बगैर वो कॉलेज में घुस नहीं पाएगी, इसलिए तो हमने अर्जेंट में ये काम लिया था। बेचारी मुसीबत में पड़ गई होगी। चाचा आप जरा कॉल कर लो ना कि आएगी कि नहीं। पूरे दिल्ली का ठेका क्या तुमने ही ले रखा है? उस लड़की का कुछ नाम वाम याद है क्या? नाम वी से था, वीर। वीरा? हाँ हाँ वीरा, हाँ वीरा वीरा। देखो फॉरेन यूनिवर्सिटी का फॉर्म है, पर तेरा चेहरा ऐसा उतरा हुआ कि फ्यूज्ड बल्ब की तरह। करण के साथ झगड़ा हुआ होगा। चुप होए, करण कहाँ से बीच में आ गया? You know what? लड़के इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं होने चाहिए कि किसी भी लड़की का मूड ऑफ कर दे। Babes, not even worth it. करण ने तंग किया क्या तेनु? तो बोले मार क्या हूँ क्या उसको अपनी हॉकी स्टिक से? नहीं हो, एक कब से बोलने जा रही हूँ, कारण कारण नहीं, लेकिन फिर भी लगे हो। मैं कह रही हूँ ना, कोई और रीजन है। भाई तुम लोग सब चुप है, कारण को कोई कुछ नहीं बोलेगा, और अगर किसी ने बोला तो वीरांटी का गुस्सा तो मालूम है ना सबको। तो पिटेगी मोटू मोटू मोटू। सॉरी सॉरी यार। नहीं, वो जो चांदनी चौक वाला टेलर है ना, वो पता है मैंने वीर जी की स्वेटशर्ट दी हुई थी, उसके पीछे उनका नाम प्रिंट करवाना, लेकिन नहीं, उसने तो वीजी के नाम की स्पेलिंग करने एकदम पचका ही मार दिया। सबसे मूड खराब है मेरा। You know what? This is not the time to cry. इतनी सारी यूनिवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं। Let's get going. अब्रॉड नहीं जाना है क्या? हाँ, ये दे मुझे, दे 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 दे। अरे, ये तो मैंने देखा ही नहीं। मैं तो पक्का जा रही हूँ। कैसे कि तुझे एडमिशन मिलने वाला है? यार मोटू है तो मजाक कर रही थी। सही है, चलो उस काउंटर पे चेक करें। हाँ चलना। आपका मेमना? नहीं, हमारा नहीं है। पूछ रहा नीचे से किसी से। भाई जी, आपका मेमना? नहीं नहीं। मेमना, मेमना किसका है? हमारा नहीं है साहब। ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब, ए मेमना कोई ऊपर छत पे छोड़ा है। ए भाई मैनू की बता, साड़ी तो बस खाली हो गई। भाई साहब आप ये अपने पास रख लोगे क्या? अरे भाई मैं बस चलाऊं कि इसको पालूं? आप इसको यहीं कहीं रास्ते में छोड़ दो, देख लेना कहीं कुत्ते ना आओ। ओए तू बीच में कहां से आ गया? पहले मैं गुरुद्वारे जाऊंगा, फिर वीरा दे कॉलेज, अब तू साथ में कहां टंगेगा? अब तुझे आगे अकेले भी तो नहीं छोड़ सकता। ठीक है चलियो, पहले हम गुरुद्वारे चलेंगे, तू बाहर रुक जाइयो, फिर मैं तेनू लेने आऊंगा, फिर हम चलेंगे मेरी वीरा दे कॉलेज। हैं, चले चल।
शुक्रिया भाजी मेवड़ा संभालने के लिए। जी कोई नहीं। ओ भाई जी आपका तो कुर्ता फट गया ये। ओ ऐ क्यों हो गया? ओ फटे हुए कुर्ते के साथ मीरा से कॉलेज कैसे जाना? उसकी तो बड़ी बेइज्जती हो जानी है। बदल भी तो नहीं सकता, उसने कहा था कि कुर्ता पहन के आना। ओ कोई नहीं पाजी कोई नहीं, अब जाके ना अपना कुर्ता सिलवा लीजिएगा, वह सामने ना दुकान है दर्जी की। ठीक है जी, शुक्रिया बाजी। सुनिए जी, ऐ मेरा ना कुर्ता फट गया, फटाफट टाका लगा दीजिए। देखो भाई अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, कभी बाद में आ जाना। ठीक है मैं जानता हूँ, मैनू ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, पर अगर आप कर देंगे तो बड़ा जी उपकार होगा जी आपका। मैं पहली बार अपने बहन के कॉलेज जा रहा हूँ, आज उसे डिग्री मिलने वाली है। अगर मैं ऐसे गया तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन बाकी सबके सामने ऐसे शर्मिंदा हो जाए। जी मदद कर दीजिए। अरे तुम तो फट्टे चक दोगे जी, जल्दी से कपड़े उतारो। चचा जान वो लड़की नहीं आई क्या? अकल कहीं बेच आया क्या? अगर बेच आया तो लेके आ जाना, काम आएगी। अगर वो लड़की आई होती तो ये काली पेंट यहीं पड़ी होती। अरे नहीं चाचा, उसे बहुत ज़रूरत थी, वो कह रही थी कि इसके बगैर वो कॉलेज में घुस नहीं पाएगी, इसलिए तो हमने अर्जेंट में ये काम लिया था, बेचारी मुसीबत में पड़ गई होगी। चाचा आप ज़रा कॉल कर लो ना कि आएगी कि नहीं। पूरे दिल्ली का ठेका क्या तुमने ही ले रखा है? उस लड़की का कुछ नाम वाम याद है क्या? नाम वी से था, वीर। वीरा? हाँ हाँ वीरा, हाँ वीरा वीरा। अरे तू क्या कर रही है यार, तू तो तैयार नहीं हुई कॉन्वोकेशन सेरेमनी के लिए। नहीं अभी ज्यादा टाइम हमारे पास यार, तू चेंज क्यों नहीं करती? ओह शिट, मैं इतनी बुढ़िया भी कैसे हो सकती हूँ? क्या हुआ? मैं ट्राउजर्स ही नहीं लाई। ओह फिश, तू वो ही लेने के लिए तो गई थी ना मार्केट में, फिर भूली कैसे? हाँ लेकिन वीर जी के स्वेटशर्ट के गड़बड़ के चक्कर में मैं सब कुछ भूल गई। You know ना कि बिना ब्लैक फॉर्मल ट्राउजर्स के तुझे हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। प्रिंसिपल ने हम सबको ये स्ट्रिक्टली बोला था यार, फिर भी तू यार 4 बज गए, अब तुम मार्केट जाके भी नहीं ला सकती। आइडिया, तू अपने वो नवाब टेलर्स को फोन करके बोलना कि तेरे ट्राउजर्स इमीडिएटली पहुंचवा दे किसी के हाथों। गुड आइडिया, कॉल करती। हाँ कर कर। शख्स यार टू टू करके कट जा रहा है, फोन खराब हो गया उसका। शिट, अब तो एक ही रास्ता है, मैं जाके कोऑर्डिनेटर से बात करती हूँ, शायद कुछ हो सके। देखते हैं। ऑल द बेस्ट। ओह गॉड प्लीज इस लड़की की हेल्प करना, वरना अपने वीजे के स्वेटशर्ट के चक्कर में तो अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी भी मिस कर सकती है ये लड़की। ये पैंट पहुंचा तो दोगे ना जी? पैंट के साथ उड़ी तो नहीं लगा लोगे? जी बहन है मेरी वीरा, अब आप एक काम करिएगा कि आप उसे एक फोन कर दीजिए, मैं मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। अजी अपना फोन तो खराब पड़ा है जी। आप एक काम करेंगे, आप ये काके को रख लेंगे अपने कोल? इस मेमने को मैं कैसे रख सकता हूँ जी, मैं तो अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। कोई नहीं, इसे नाल ले जाऊंगा मैं। अरे भाई अपनी कमीज तो सिलवा लो। इस वक्त सबसे जरूरी वीरा के पास है पैंट पहुंचाना है, उससे जरूरी कुछ नहीं। शुक्रिया सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, मुझे प्लीज कुछ भी फॉर्मल्स पहन के प्लीज। सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज प्लीज, ये ड्रेस कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज एजुकेशन मिनिस्टर चीफ गेस्ट के तौर पर कॉन्वोकेशन में आ रहे हैं, इसलिए प्रिंसिपल सर ने आप लोगों को 2 हफ्ते पहले इन्फॉर्म कर दिया था, फिर भी आप लोगों ने तैयारी नहीं की। सर जी तैयारी तो की थी लेकिन लास्ट में ना सब अगड़म बगड़म हो गई। सर जी प्लीज मान जाइए ना, प्लीज 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 सर जी मान जाइए ना। ये परमिशन की अथॉरिटी सिर्फ प्रिंसिपल सर के पास है और वो अभी कुछ ही देर में कन्वोकेशन हॉल में एंटर करेंगे, ट्राई कीजिए शायद मिल जाए। ओके सर।
लग गई। डीएस कॉलेज? नहीं नहीं डीएस कॉलेज? नहीं नहीं खाली नहीं है भाई जी। डीएस कॉलेज? नहीं। डीएस कॉलेज? डीएस कॉलेज? दौड़ लगाऊंगा ना तो जल्दी पहुंचाऊंगा। तो कब के अंदर चले गए? गए? हाँ। लग गई। मीरा। रब्बा। भूल भटक जाता हूँ मैं तेरी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, खुद को मैं बेरंग ही पाऊँ इन तेरी रंग रलियों में। मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा वीजी, मुझ में भी है किस्सा तेरा। मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा। अब तू जो भी करे मेरा सब तेरे हवाले छोड़ दिया। वीर की अरदास वीरा, ओ वीर की अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा। वीरा, ओ तेरा डिग्री वाला समारोह शुरू तो नहीं हुआ? ऐ की है? ऐ लंबी कहानी है, बाद में दसांगा। ऐ ले तेरी पैंट, ऐ ले आया। इसके बिना अंदर जाने नहीं देंगे ना? है तेरे अब्दी मेरे, ते मैं वही टेलर के पास पहुंच गया, और वहां तेरी बात छिड़ गई। अब जा जल्दी से, फटाफट जाके बदल ले। जा वीरा। अब ठीक है मेरी लकड़ी, अब जा जल्दी जा, देर हो जाएगी। थैंक यू। वीरा, अब तेरे दोस्त से कोई कुर्ता या शर्ट मिल सकता है क्या? ए मेरा कुर्ता फट गया। ए पहन के कैसे अंदर जाऊंगा? वीर जी, आपके लिए ना है मेरे पास कुछ। तेरे पास? मेरे पास। विमला कितने क्या? रब जी, आज मेरी वीरा की इतने सालों की मेहनत का फल मिलने वाला है उसको। मेरे छोटे चंद की इतने सालों की तपस्या का फल मिलने वाला है उसको। मेरे दोनों बच्चों पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा। रब जी, गल दसूं आपको मैं, मेरी जो वीरा है ना चीचड़ी, बहुत तेज है रब जी, वो बहुत होशियार है, वो बहुत चलाक है। पर फिर भी रब जी, आपकी बच्ची है, आप अपना हाथ उसके सर पर सदा रखिएगा। वाहेगुरु।
रतन, देखते देखते ही कितने सारे साल बीत गए। बस अब मेरे को तो इंतजार है कि कब वो चीचुड़ी आएगी। मेरे को पता है, मैंने पहले से उसके वास्ते बहुत बढ़िया सा एक सूट बनवा के रखा है, आते ही उसको दे दूंगी। तूने बनवाया कुछ उसके वास्ते? कुछ नहीं बनवाया। अरे पुत्र, इतनी बड़ी खुशी है उसके वास्ते, कुछ लेकर दे देती उसको, खुश हो जाती वो भी। कितनी बार तेरे को समझाया, और किसी के वास्ते नहीं तो छोटे चंद के वास्ते वो कितना खुश हो जाता। तेरे से कुछ नहीं मांगता पुत्र, वो बस वो ये चाहता है कि तू उसकी वीरा को प्यार करे। बस वक्त के साथ मेरे और वीरा के बीच जो खाई थी वो और गहरी हो गई है जाई जी। सब बर्दाश्त कर दिया मैंने, अब तक वो छुट्टियों के लिए आती थी और चली जाती थी, लेकिन अब हमेशा के लिए वो ना। पुत्र, ये बात में तू गलत है। जो तुम दोनों के बीच की खाई है वो तूने बनाई। उस बच्ची ने पता नहीं कितनी बार कोशिश की कि उसके ऊपर एक पुल बना दे, पर तूने वो खाई भरने नहीं दी, वो पुल बनने ही नहीं दिया। पुत्र माफ कर देना पुत्र, उसको भूल जा सारी बातें, मिट्टी पा पुत्र। किस किस बात पर मिट्टी डाल दो चाय जी, अब तो इतनी मिट्टी भी बची नहीं है धरती पर कि जिसके नीचे मेरा दर्द दब जाए। तो फिर तू सोच ले कि छोटे चन का दिल कितना दुखेगा, कितना उदास हो जाएगा वो, वीरा के वास्ते नहीं और किसी के वास्ते नहीं, अपनी औलाद के वास्ते इतना नहीं कर सकती थी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।